रसिका जैन ऑन अवर चैनल 1% डेली। 2019 में मोदी सरकार संविधान में 103वें संशोधन के द्वारा भारत को एक नए तरह के आरक्षण से परिचित कराती है, जो है सामान्य जाति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% का आरक्षण। 2019 के इस 103वें संशोधन में मोदी सरकार संविधान में आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 ऐड करके सरकार को यह ताकत देती है कि वे सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बढ़ावे के लिए आरक्षण दे सकती है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन दे सकती है। इस संशोधन के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों में वो आएंगे जिनकी सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी, यानी अगर आपकी N1 फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है या शहर में 1000 वर्ग फीट से बड़ा घर है तो आप आर्थिक रूप से कमजोर लोगों में नहीं आते। जैसे ही ये संशोधन होता है, हमारे भारत में वाद विवाद का सिलसिला जारी हो जाता है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ये जो संशोधन है वो असंवैधानिक है, मोदी सरकार ये संशोधन करके हमारे संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन केस में साफ साफ कहा था कि जो हमारे देश का आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मोदी सरकार कैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देकर कुल आरक्षण 73.5% कर रही है। इससे ये साबित होता है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अपमान कर रही है। तो इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो मोदी सरकार है वो भारत में उच्चतर वर्ग हायर क्लास को बढ़ावा दे रही है और सामाजिक तौर से पिछड़े लोगों को और दबा रही है। इस वाद विवाद के चलते गत कम से कम 40 पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में की गई इस आरक्षण को हटाने के लिए, और इन्हीं सब को देखते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच बनाई और उनको ये केस सौंपा, और इन 5 जज की बेंच में हमारे चीफ जस्टिस यूयू ललित भी थे। इसके बाद 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने कहा कि वो इस केस में 3 प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगी। पहला होगा कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने में सरकार संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ कर रही है या नहीं। दूसरा होगा कि क्या सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो देश में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को आरक्षण देने के लिए बोल सकती है, और तीसरा कि क्या जो हमारे सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यानी जो लोग SC ST OBC में आ रहे हैं, उनको ये आरक्षण ना देकर सरकार भेदभाव कर रही है या नहीं। इन 3 प्रश्नों पर सरकार की तरफ से जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि जो हमारे सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यानी जो SC ST OBC में लोग हैं, उनको पहले से ही रिजर्वेशन मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। हमारा ये संशोधन इन लोगों के आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब समाज में बदलाव लाना हो तो संविधान को समय के साथ थोड़ा बदलना पड़ता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने भी कहा कि जो हमारा संविधान है उसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका जो आर्टिकल 46 है, वो साफ साफ कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सोशली बैकवर्ड क्लास के साथ साथ सामाजिक तौर से पिछड़े लोगों के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों पर भी ध्यान दे और उनके बढ़ावों पर ध्यान दे। इसके बाद 7 नवंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में इस 5 जज बेंच ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार ने संशोधन किया था वो बिल्कुल संवैधानिक है और इसी के चलते अब आगे से सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को
हायर एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण मिलेगा। लेकिन इन सब में एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि इस 5 जज बेंच में 3 जज ने तो इस संशोधन के समर्थन में अपना जवाब दिया, लेकिन जो 2 जज थे, एक थे चीफ जस्टिस यूयू ललित, दूसरे थे जस्टिस रविंद्र भट्ट, ये इस संशोधन के विपक्ष में थे। तो हम इस बात से ये समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज के अलग अलग मत है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो मामला है वो उतना सुलझा हुआ नहीं है। और जब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी अलग अलग सोच सकते हैं एक विषय पे, तो हम आम लोगों के भी इस विषय पे अलग अलग विचार हो सकते हैं। इस विषय पे मेरा मानना ये है कि हमारे देश में सामान्य जाति के 18% लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पैसों की तंगी की वजह से ये 18% लोग हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो पिछड़े ही रह जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे देश को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की काफी ज्यादा जरूरत थी, और इसलिए ही मैं सरकार के इस कदम का सपोर्ट करती हूँ। और रही बात सामाजिक तौर से पिछड़े लोगों की, तो उनको आरक्षण पिछले 75 साल से मिल रहा था और अभी भी मिल रहा है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा ये मानना है कि सोशल बैकवर्ड क्लास को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि आज भी हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे गांव में अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत होता है, भेदभाव होता है। हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज, हमारे SC ST OBC के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, इसलिए उनको भी आरक्षण की जरूरत है। इसलिए मैं दोनों तरह के आरक्षण को सपोर्ट करती हूँ, सोशली बैकवर्ड क्लास को भी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी। लेकिन इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मेरा एक चीज का मानना और है, वो है कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश डेवलप हो रहा है, तो हमें आरक्षण को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, इसका मतलब है कि हम आरक्षण में क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करें, जिससे हम उन लोगों को आरक्षण से बाहर करें जो अब आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं और अब उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, ताकि आरक्षण उन तक पहुंचे जिनको सच में जरूरत है, और धीरे धीरे हम आरक्षण को कम करते जाए, जिससे कि हमारा देश और अच्छे से डेवलप कर पाए। लेकिन ये बात शायद सिर्फ बोलने की है, भारत में ये बात कभी सच हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे भारत की राजनीति में यादव मुस्लिम और हिंदू वोट बैंक ही चलता है और शायद चलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अगर आप मेरे विचारों से सहमत करते हैं या नहीं भी करते, तो प्लीज अपने पॉजिटिव फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि लोगों के क्या विचार हैं इस पे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू 1% डेली। थैंक यू।